विंडोज 11 अगर आप यूज कर रहे हो और आपका विंडोज 11 का जो सेटिंग्स है वो ओपन नहीं हो रहा है या वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कैसे करेंगे? मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि फर्स्ट प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको तो सबसे पहले अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको पावर का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपको अपने विंडोज 11 को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विंडोज 11 को रीस्टार्ट करने से भी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो सेटिंग्स है विंडोज का जो सेटिंग्स है वो ओपन हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे इसके बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं यहाँ पे आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके सर्च कर रहा हूँ CMD, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरा CMD आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको करना ये है कि आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसकी हेल्प से आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। तो आपको अब करना ये है कि आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे आपको एक कमांड आपको टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ /scanow स्कैन नाउ। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है और आपका जो विंडोज है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके विंडोज में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे 2% हो गया है कंप्लीट। तो आपको यहाँ पे इसे 100% कर लेना है कंप्लीट। तब तब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली 100% हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा जो विंडोज़ है वो कम्प्लीटली यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे रिपेयर्ड हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अब टाइप करना है एग्जिट और ये आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये आपका क्लोज हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसे कर लेने के बाद अब आपको अपने विंडोज के सेटिंग को चेक करना है कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं, वो मैंने प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे इसके बावजूद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में, अगर आपका सिस्टम है तो आपको अपने सिस्टम के कीबोर्ड में टाइप करना है Ctrl+Shift+Escape बटन, मैंने Ctrl+Shift+Escape बटन को प्रेस करना है। और आप यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे आपका सामने टास्क मैनेजर एक इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज एक्सप्लोरर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको एक बार इसे भी रीस्टार्ट कर लेना है। तो आपको अपने विंडोज एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर जो है कम्प्लीटली यहाँ पे रीस्टार्ट होगा। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो विंडोज एक्सप्लोरर है यहाँ पे कम्प्लीटली रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट हो जाने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और आपको अपने विंडोज को सेटिंग को ओपन करके देखना है कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं, या वो ओपन मैंने प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको अब मैं फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ। फोर्थ नंबर प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के सेटिंग में चले जाना है। विंडोज के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल पैनल का एक इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो कंट्रोल पैनल है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है।
और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने विंडोज को एक बार रिस्टोर करना है, मैंने आपको अपने सिस्टम को एक बार रिस्टोर करना पड़ेगा। और जिन लोगों को मालूम नहीं कि रिस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि रिस्टोर करने से क्या होगा कि जैसे आपका जो सिस्टम है वो एक दो दिन पीछे चला जाएगा, मैंने यहाँ पे जो भी डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे वो उतना ही दिन पीछे चला जाएगा। जैसे आज आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आज का डेट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 24/1/2023, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को दो तीन दिन पीछे करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो जैसे दो तीन दिन पीछे जैसा था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आज ये प्रॉब्लम आया है 24/1/2023 को ये प्रॉब्लम आ जाया है सेटिंग से रिलेटेड, और दो तीन दिन पहले ये आपका प्रॉब्लम नहीं था, तो आपका सिस्टम दो तीन दिन पहले जाएगा तो आपका जो सिस्टम जैसा था वो एज इट वैसा हो जाएगा, आपका जो सेटिंग्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरा डेट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो डेट है वो आज का ही शो कर रहा है 24/01/2023, बट यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे जरा डिफरेंस है। अगर बाय द वे आपके सामने यहाँ पे दो तीन डेट आपके यहाँ पे शो करता है अलग अलग डे का, तो आपको करना क्या है कि आपको करना यह है कि आज की डेट के नियरली जो भी डेट है आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पे फिलहाल यही डेट यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने एक ही डेट यहाँ पे मेरा भी फिलहाल शो हो रहा है मेरे सिस्टम में, बट यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस है। तो आपको करना क्या है कि आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है जो नियरली है, जो आज के डेट के नियरली जो भी डेट है आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है, सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका विंडोज़ है वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक दो दिन पीछे चला जाएगा और जो आपका सेटिंग से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रिस्टोर होने में किन्हीं लोगों का 15 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, और किन्हीं लोगों का 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, सिस्टम में कितना डेटा है आपका उस पे डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर रिस्टोर होने में कितना टाइम लगेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।